हाय गाइस, वेलकम टू रिंकीज एंजल अगेन. वी आर बैक विद मंथली रीडिंग्स. इस महीने हम जुलाई के लिए रीडिंग कर रहे हैं, विच इज 3 कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज. जैसे मैं हमेशा करती हूँ, इस अगर आपने देखा हो तो लास्ट मंथ मैंने एडिशनल वीडियोस भी किए आपकी लव रीडिंग्स के बारे में, आंसरिंग योर क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दैट. तो ये महीने भी मैं सेम फॉर्मेट करने वाली हूँ. हर हफ्ते एक नया वीडियो आने वाला है चैनल पे. तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब. अगर आपने वो फॉलोअर क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ मैं वो भी लिंक कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा. तो गो हैड एंड चेक, शायद आपका क्वेश्चन वहाँ आंसर किया गया हो. अगर नहीं तो आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी बहुत सारे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए. नाउ लेट्स बिगिन. वी मूव ऑन टू लियो. लियो मैं आप लोगों के लिए 3 टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल मैसेज. तो देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स क्या बता रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको. 3 tarot cards and angel message. Okay, जो पहला कार्ड आया हुआ है वो है द हाई priestess. अब ये कार्ड शुरू में ही आते हुए हमको बता रहा है कि जुलाई इज अ मंथ ऑफ लर्निंग, इट्स द मंथ ऑफ ग्रोइंग. यू नो, हर एक चीज में आप थोड़े से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाइए और क्यूरियस होइए. यू नो, कोई अगर आपको कोर्स पे एनरोल करना है, कुछ न्यू स्टार्टअप आइडिया है, इतने टाइम से जो चीजें सोच रहे हो, यार काश मैं ये कोर्स कर लूँ, यू नो ये मेरे को हेल्पफुल होगा, गो हैड. आपको एंजल्स, आपको टैरो ने वो हेड्स अप दे दिया है. दिस इज अ मंथ ऑफ लर्निंग, दिस इज अ मंथ ऑफ ग्रोइंग. जैसे आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ सीखने के लिए, वो चीज आपको आगे चल के बहुत काम आएगी. यू नो, इट्स ऑल अबाउट हैविंग और गेनिंग मोर एंड मोर नॉलेज. इट्स टेलिंग मी कि आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ऑलरेडी. यू नो, आपने वो स्टेप ऑलरेडी आगे ले लिया है. तो इट्स द टाइम टू डू नॉट सॉर्ट ऑफ यू नो, हाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे होगा, इतने सवाल पूछने नहीं है अपने आप से. यू नो, बस आगे बढ़ो. इट्स द टाइम जहाँ एंजल बोल रहे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप. यू नो, आप अच्छे के लिए ही इम्प्रूव हो रहे हो. तो कहीं ना कहीं वो इम्प्रूवमेंट एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब जैसे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं एक स्टेप, बट आपको आगे 4 स्टेप खुद लेने हैं, एफर्ट्स लगाने हैं. यू नो, सीखिए जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, जो भी आपकी दिलचस्पी हो, बस उसे फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए. अब जो सेकंड कार्ड है वो है कार्ड ऑफ पेंटिकल्स. ये कार्ड हमें एडवाइस दे रहा है कि यार इस महीने ना फाइनेंशियली थोड़ा ज़्यादा सोचना है. अब ये कैसे सोचना है? ए, किसी को मनी लेंड नहीं करना ये महीने, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो फ्रेंड्स हो. थोड़ा फाइनेंशियली आपको एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है आप बहुत ओवर गिव कर रहे हो फाइनेंसेस में. हाँ, किसी को यू नो सपोर्ट चाहिए, अच्छी बात है, बट आप रियलाइज नहीं करो, यू नो यू आर जस्ट ओवर ट्रस्टिंग द पर्सन राइट नाउ. आपको फाइनेंस रिलेटेड बहुत 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 केयरफुल रहना चाहिए ये महीने. और सेकेंडली ये कार्ड हमें ये भी बोल रहा है कि रिलेशंस में भी आप बहुत इन जनरल ओवर गिव कर रहे हो. यू नो, आप ओवर गिव कर रहे हो एक पॉइंट पे, वो ठीक है, उधर कोई हार्म नहीं है, बट सेकंड पॉइंट ये आ जाता है ना कि यार फिर मैं एक्सपेक्ट करने लग रहा हूँ. यू नो, इट्स जस्ट लाइक अगर मैंने किसी के लिए कुछ करा है तो मैं 10% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और जब वो 10% भी नहीं मिल रहा है, वो आपको यू नो जैसे यू नो इट जस्ट फील्स ब्रोक. आपको ऐसा लगता है यार मैं टूट चुका हूँ एट दिस पॉइंट. यू नो, सो समवेयर दोज एनर्जीज आर अफेक्टिंग यू वेरी हैवीली एट दिस पॉइंट. यू नीड टू रिलीज दैट, डेफिनेटली. अब द चैरियट है, चैरियट बोल रहा है ये महीने कोई भी काम करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, इट हैज़ टू बी अ बैलेंस ऑफ योर हेड एंड योर हार्ट. यू नो, आप बहुत ज़्यादा दिल की सुन के आगे बढ़ जाते हो एंड देन आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि इसकी प्रैक्टिकलिटीज़ क्या है, ये करना चाहिए नहीं चाहिए, ऑल ऑफ दैट. तो ये कार्ड हमें यही बोल रहा है कि यू नो हैव द राइट काइंड ऑफ बैलेंस एट दिस पॉइंट. इट्स हेड, इट्स हार्ट, ऑल दैट यू नीड इज देयर इन द कार्ड्स. अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. एंजल्स आपको बता रहे हैं आपको बाहर निकलना चाहिए. यू नो, अगर कोई आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहा है तो उसे वेलकम कीजिए ओपन आर्म्स से. यू नो, जस्ट लाइक आप बहुत हेजिटेट कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है नहीं यार एट दिस पॉइंट इन लाइफ आई डोंट नीड न्यू फ्रेंड्स, जितने रिलेशंस हैं मैं उसी को नहीं संभाल पा रहा. बट ये आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो गलत है. एंजल्स बोल रहे हैं आपको आगे बढ़ना चाहिए. यू नो, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स इज ओनली गोना हेल्प यू ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव, आपको ग्रो करने में मदद कर रहे हैं. तो समवेयर इज जस्ट टेलिंग मी आप अपने आप को इतना टाइटली होल्ड मत कीजिए, रिलीज कीजिए एंड यू विल सी सो मच पॉजिटिविटी. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स. और अगर आपको ये हेल्प करा है, यू नो, जस्ट गो हैड एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. And come back for lots more. Stay tuned, stay connected. Bye-bye.